हेलो अभिनेश शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखो और इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दो। कहीं ना कहीं ये लोकल ट्रेन की वीडियो है और किस तरीके से देखो आप इसमें महिलाएँ आपस में झगड़ती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या समाज पर ऐसा मैसेज जाता है? और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया इसमें दो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ऐसी सिचुएशन रही होगी इनको इस तरीके से हिंसा करनी पड़ गई आपस में घटनाएं ये जो लोकल ट्रेन्स में देखने को मिल रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीज़ें हैं क्या मैसेज देती हैं सोसाइटी पर, ठीक है? इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़रूर उसके बारे में बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या प्रतिक्रिया आपकी रहती है, क्या चीज़ें ऐसी रही होंगी। लोगों को जो है बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, चीज़ें जो हैं उन्हें मतलब किसी की बर्दाश्त करने की क्षमता ना होना ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या को दिखाता है। बर्दाश्त करने की क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा जो आज जैसे कि हम मोटिवेशनल कोट के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो आज का लेक्चर जो है स्वामी विवेकानंद जी के एक सुनहरे शब्दों से शुरुआत करते हैं। इन्होंने बोला है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कितना अंधकार है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानकारी अपने पास अपने जहन में रखनी चाहिए कि हमारे अंदर सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, सारी ताकत हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं उसको ठीक से अप्लाई करने की ज़रूरत है। और यूपीएससी का एग्ज़ाम से इसको हम रिलेट करें तो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी हम इसमें पास कर जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगी, ठीक है? 13 जुलाई है आज और नई एनर्जी के साथ, नया लेक्चर और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ इसको कवर करते हैं। तो देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा, इसमें जीएसटी काउंसिल टू इम्पोज 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स, यानी कि ये जो जीएसटी काउंसिल है ये लगभग 28% टैक्स जो है ऑनलाइन गेमिंग पर लगाएगी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि अपीलीय अधिकरण की बात इसमें की गई, तो इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में देखेंगे और ये अपीलीय अधिकरण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम जीएसटी परिषद की बात करें तो संविधान में नया आर्टिकल 279A इसको जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया और 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की अधिसूचना भी जारी की गई। इस परिषद का जो अध्यक्ष है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय राज्य मंत्री इसके वित्त राजस्व के प्रभारी के रूप में काम करते हैं और राज्यों के वित्त या कर मंत्री या जिन्हें नामित राज्य शामिल करें ये सदस्य के रूप में इसमें शामिल होते हैं। ये जो परिषद है संघ राज्य और क्षेत्रीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले जो भी टैक्स हैं, उप टैक्स हैं और अधिभार के जीएसटी में सम्मिलन या छूट के संदर्भ में सिफारिशें देती है। ये सारी जीएसटी काउंसिल की मेन मेन बातें थी। अब ऐसे ही अगर आप जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हो तो जीएसटी की बात भी तो आपको करनी होगी, है ना? पहले भी अभी 2-4 दिन पहले लेक्चर में भी हमने इसको कवर किया, आज फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो इसी तरीके से हम डेली के टॉपिक्स अपने कवर करते चलेंगे ना, तो इजीली आपको सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ये जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और 1 जुलाई 2018 को जब इसका 1 साल पूरा हो गया तो सरकार द्वारा इस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया। जीएसटी क्या एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है और एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से ये लागू किया गया। एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से ये लागू किया गया। इसके अलावा इसके निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एक टैक्स है ये, और 122वां संविधान संशोधन विधेयक था जिसे राज्यसभा द्वारा, देखो ये पूरी बैकग्राउंड है इसकी, पृष्ठभूमि है कि राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 और लोकसभा द्वारा 6 अगस्त 2016 को पारित किया। इसको आप देख सकते हो, हमारे लिए मेन क्या है जो हम वही हम डिस्कस करते हैं कि 29 मार्च 2017 को लोकसभा में वस्तु और सेवा कर से संबंधित 4 विधेयक ये जो है पारित करने के लिए पेश किए गए थे। ये सारे 4 विधेयक हैं, ठीक है? और ये सभी विधेयक जो है लोकसभा ने 29 मार्च 2017 को और राज्यसभा ने 6 अप्रैल 2017 को ये पारित कर दिए। इसके बाद आपका आता है जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल था ना, ये देखो इसी तरीके से आता है आपका जीएसटी वस्तु और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के बारे में। ये देखो जीएसटी कानूनों में दूसरी अपील करने के लिए एक मंच है, जीएसटी कानूनों में सेकंड अपील करने के लिए एक मंच है और केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला सार्वजनिक मंच है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान का ये पहला सार्वजनिक मंच, ठीक है? इसके अलावा केंद्र और राज्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा प्रथम अपीलों में जो भी आदेश हैं उनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। जीएसटी अपीलीय अधिकरण के सामने ये दाखिल होती है और जो कि केंद्र और राज्य जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत एक हो सकती है। इसके प्रभाव क्या है? सार्वजनिक मंच होने के कारण क्या होता है, जीएसटी अपीलीय अधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी के अंतर्गत जो उत्पन्न विवाद है इनके समाधान में एक रूपता आए और इस प्रकार जीएसटी को समान रूप से कार्यान्वित या इसका क्रियान्वयन किया जा सके। ये सारी कुछ चीजें थी। बाकी आजकल इंडियन मीडिया के पास एक बहुत
तड़कती भड़कती खबर चल रही है, जैसे पाकिस्तान से एक महिला आई हुई है, सीमा हैदर, तो वो कहीं ना कहीं यूपीएससी से, अगर आप उसको देखो ना, तो कहीं ना कहीं वो आईआर का टॉपिक बनता है। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे इन क्वेश्चंस के बारे में जरूर सोचोगे। सबसे पहले तो ये मुद्दा बनता है कि क्या सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई है, तो क्या उनको वापस भेजना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को कैसे प्रभावित करता है ये, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वो भारत की नागरिकता मांग रही हैं, तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता होनी चाहिए, या नागरिकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो कैसे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो सकता है यदि आपसे कह दिया जाए, आपको पावर दी जाए कि हाँ आपके पास पावर है? मतलब सोचना, यूपीएससी एस्पिरेंट जो है, आईआर से रिलेटेड आपका मुद्दा है, और आपको जरूर सोचना चाहिए कि अगर आपको पावर दी जाए तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। क्या आप उनको भारत में रुकने के लिए परमिशन दोगे? क्या आप उनको वापस पाकिस्तान भेजोगे? क्या चीजें, क्या उनको जेल होनी चाहिए, क्या उनको नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अगर लेक्चर देख रहे हो तो बहुत जबरदस्त एनर्जी के साथ कमेंट सेक्शन में अपना 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 जो मत है वो रखोगे आप, और कहीं ना कहीं इस पर अगर आप चाहोगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, अलग से वीडियो भी बना लेंगे अगर आप लोग बोलोगे तो। लेकिन कहीं ना कहीं यूपीएससी से रिलेटेड या आईआर से रिलेटेड मुद्दा है आपके जीएस पेपर 2 में, ये बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे केस स्टडी हो सकती है, एथिक्स के पेपर में आपकी केस स्टडी हो सकती है। तो इस पर चिंतन करना जरूर कि क्या अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल का मुद्दा है इसमें क्या आगे हो सकता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग के बारे में, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, और इसी से रिलेट करता है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कहानी आप पूरी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे, ये भी पूरी कहानी लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं सीधी सीधी बात आपको बताऊं ग्रीन वॉशिंग के बारे में, तो ग्रीन वॉशिंग क्या है, देखो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। इसका जो पहली बार यूज हुआ था 1986 में, एक अमेरिकी पर्यावरणविद थे, शोधकर्ता थे जे वेस्टरवेल्ड, इनके द्वारा ये किया गया था। एक तरह से क्या होता है ग्रीन वॉशिंग, सरकारी गतिविधियां हैं या सरकारों की या जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी गतिविधियां हैं, ये क्या करती हैं, पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने को या उसको दिखाने की कोशिश करती हैं, ग्रीन वॉशिंग है ये। यानी कि जो भी इनके उत्सर्जन है, जो भी इनके कार्य हैं, इनकी कंपनियों के, सरकार की जो गतिविधियां हैं, ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम कार्य कर रहे हैं वो पर्यावरण के अनुकूल कर रहे हैं, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये कहीं ना कहीं ग्रीन वॉशिंग है। और इससे क्या हो रहा है, ग्रीन वॉशिंग से प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, प्रगति और विकास के गलत आंकड़े ये पेश करते हैं, इसके अलावा जो विश्व को आपदा की ओर आगे ले जा रहे हैं। अगर ग्रीन वॉशिंग इस तरह से ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं ये विश्व को आपदा की ओर आगे ले जाएंगे, और इसके साथ गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए संस्थाओं को पुरस्कृत भी किया जाता है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली चीज है। अगर वो ग्रीन वॉशिंग में खुद को दर्शाते हैं ना, ग्रीन वॉशिंग करते कि देखो हमने जो काम किया है वो पर्यावरण के अनुकूल किया है, तो उस पर कोई जांच भी नहीं कर रहा है और उनको कहीं ना कहीं पुरस्कार भी मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या है, ये कहीं ना कहीं समस्या है। और इसी से रिलेट करता है आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980। देखो इसने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए, केंद्र की अनुमति की आवश्यकता है, केंद्र की अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध बताया गया, यदि आपके पास उल्लंघन, आप यदि उल्लंघन करते हो या परमिट नहीं है उसकी कमी है तो कहीं ना कहीं ये अपराध है। और वनों की कटाई को कंट्रोल करने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और वन्य जीवों को बचाने का इनका टारगेट है वन संरक्षण अधिनियम 1980 का, ठीक है? ये जो है कहीं ना कहीं अपने टारगेट में सफल नहीं हो सका, ये कहीं ना कहीं समस्या का विषय है, देखने वाला विषय, ठीक है? समझ में आया आपको? चलिए, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला हमारा, एक्सप्लेन व्हाट इज द लीगल रोप बिटवीन फार्मर एंड पेप्सिको। कहानी आप इसकी पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। वैसे तो इसमें मैंने ये लिखी नहीं है कहानी, इसमें जो इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए वही मैंने लिखा है इसमें, लेकिन आप इसको गूगल सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है? इसमें बोला हुआ है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट क्या है, ये एक चीज समझने वाली है। इसके अलावा वराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, ये कहीं ना कहीं समझने वाला है। देखो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट क्या है, पौधों की किस्मों के लिए दी गई सुरक्षा को संदर्भित करता है, और ये जो अधिकार किसानों और प्रजनकों को जो पौधे की नई किस्म है इनके विकास को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, ये राइट, ये जो अधिकार है ना किसानों और जो प्रजनकों को जो इनका उत्पादन करते हैं वो नई किस्मों के जो विकास कर सकते हैं उनको प्रमोट करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। और भारत में पौधों की विविधता संरक्षण
पौधों की किस्में और किसानों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अधिनियम 2001 द्वारा ही शासित होता है, ये बनाया गया। अभी क्या है, ट्रिप समझौते को प्रभावी बनाने के लिए पीवीआर एक्ट 2001, पीपीवीएफआर एक्ट ये 2001 लागू किया, और इसने तकनीकी नवाचार, जो टेक्निकली नवाचार है उसको प्रमोट करने के लिए ट्रिप्स की जो मुख्य भावना है आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसको बरकरार रखा है, और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी इसमें मजबूत प्रावधान थे। इसके अलावा जितने भी पेटेंट दिए गए हैं उनको संरक्षित करने के लिए, फसलें लगाने के लिए, उसका मार्केटिंग करने के लिए, और जो उनकी बेचने की ये अनुमति देता है, और इसके अलावा केवल उन्हें ब्रांडेड बीज के रूप में बेचने से रोकता है। ठीक है, ये सारी कुछ चीजें हैं। किसानों को तीन भूमिकाओं को मान्यता दी है, किसानों को तीन भूमिकाओं में, कृषक, प्रजनन और संरक्षण। इसके उद्देश्य क्या है, नई किस्मों के विकास को प्रमोट करेगा, किस्मों और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर सुविधाजनक प्रणाली बनाएगा, इसके अलावा पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण में उनके योगदान के संबंध में किसानों के अधिकार की रक्षा करेगा, बीज उद्योग के जो विकास है उसको सुगम बनाएगा, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो हैं मिल पाएंगे। अनुसंधान और नवाचार को यह हतोत्साहित करता है। हम तो जब एग्जाम में कोई चीज, मतलब हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसको हम मेंस के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंक्लूजन, इन सब चीजों के साथ पढ़ते हैं, तो आलोचना की भी बात की गई है इसमें कि जो पेटेंट है किसानों का उपयोग करने की, मतलब किसानों को जो है पेटेंट का यूज करने की अनुमति देता है, जो कि इसलिए क्या हो रहा है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां, नई जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसको नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि किसानों को जो है ना ये पेटेंट किस्मों का उपयोग करने की अनुमति देता है जो संरक्षक पेटेंट है। इसके अलावा भारत ना तो सार्वजनिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करता है, ना ही प्राइवेट और विदेशी खिलाड़ियों यानी आईपीआर का सम्मान करता है। ये सारी कुछ चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अपने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम डिस्कस करके और कवर करेंगे सारी चीजों को। देखो ये जो आर्टिकल आया हुआ, अमित शाह होल्ड प्रोडक्टिव टॉक्स विद यूएस एनवॉय एरिक ग्रास्टी। अभी आपको पता है यूएसए की जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं, इनकी यूएसए यात्रा हुई है, अभी यूएस यात्रा हुई है। अभी क्या, अमित शाह होल्ड्स प्रोडक्टिव टॉक्स विद यूएस एनवॉय एरिक ग्रास्टी। ठीक है, इनके साथ अमित शाह की जो है एक प्रोडक्टिव टॉक हुई है, और इसमें कहीं ना कहीं इनके द्वारा एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और आतंकवाद, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात की गई है, और बात की गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और फॉरेस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात इसमें की गई है, इनके द्वारा की गई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात की गई है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर द्वारा की गई, और संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से ये एक है। संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक ये एक तो एक ये है ही, मतलब छह प्रमुख अंग है टोटल, उसमें से एक ये है, बाकी पांच जो है वो यूएनजी है यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। मेनली क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। फिर ऐसे आता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की जो पेरिस में एक बैठक थी उसके दौरान की गई। इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास करना। इसके अलावा अप्रैल 2012 में इसने सामूहिक विनाशों के हथियार के प्रसार यानी कि उनको फैलाने के वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों से इसको जोड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं आतंकवाद रोधी गतिविधि के लिए काम करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। बाकी इसके अलावा पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल, वहीं पे मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। एक चीज आप इसमें और बोलोगे, सर आपने जो हाईलाइट कर रखा है इसके पीछे दिखता नहीं है, अगले लेक्चर से ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने हाईलाइट किया, उसके बाद में जब मैंने देखा ये स्लाइड पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे से ये भी प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा आपकी। ठीक है, और इसके बाद आज का जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, देखो 415 मिलियन इंडियन केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 15 years, says UNDP study, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी एक स्टडी हुई है। इसमें बोला हुआ है लगभग 415 मिलियन जो भारतीय हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, और 15 सालों में हुआ है। ठीक है, द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI का इंडेक्स, ये वॉज रिलीज बाय द
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसमें बोला हुआ है कि लगभग जो है 15 सालों में 415 मिलियन पीपल गरीबी से बाहर आए हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, UNDP, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो तो विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, उनको ग्रांट यानी कि अनुदान सहायता, फंड से रिलेटेड सहायता ये प्रदान करता है। इसके अलावा सबसे कम विकसित देशों को ये जो भी कम विकसित देश हैं अदर देश से उनकी सहायता करने पर ये जोर देता है। जो भी अलग अलग देश है ना उनसे कम विकसित देशों की सहायता करने पर जोर देता है। राष्ट्रों के बीच तकनीकी और निवेश सहयोग को बढ़ावा देता है, टेक्निकली सहयोग को बढ़ावा देता है, इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ावा देता है। इसके अलावा 36 देशों के प्रतिनिधियों से बना है, ये बारी बारी से काम करते हैं, पूरी तरह से सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है। यानी कि समझ में आ रहा है आपको, जो भी इसके सदस्य देश हैं वो अपनी तरफ से अपना स्वैच्छिक योगदान करते हैं, उसके इसका जो चलन चालन मतलब पैसे की जो व्यवस्था होती है इसकी वैसे होती है। समझ गए, जो सदस्य देश हैं वो अपने स्वैच्छिक योगदान इसमें देते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG का केंद्र है, नेटवर्क जो लगभग 170 देशों तक फैला हुआ है। इस सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाली जो संयुक्त राष्ट्र निधियां हैं, कार्यक्रम हैं, विशेष एजेंसियां, इन सबको ये एक साथ लेकर आता है, एकजुट करता है। और UNDP जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर एक कार्यकारी बोर्ड माना जाता है। UNDP संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर एक कार्यकारी बोर्ड माना जाता है। ऐसे ही UNDP और इंडिया की बात करें तो भारत और UNDP ने 1951 से यानी कि 1951 से स्थायी आजीविका, पर्यावरण, साक्षरता यानी कि पढ़ाई लिखाई, मजबूती, टिकाऊ ऊर्जा यानी कि एनर्जी और मानव विकास से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन पर इन्होंने साथ मिलकर काम किया है। और जो इनका एजेंडा 2030 है यानी कि भारत 2030 राष्ट्रीय विकास मिशन पर काम करने और जो सतत विकास लक्ष्य हैं, इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको बनाने के लिए UNDP के साथ गठबंधन किया। ठीक है, UNDP भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम के फोकस के तीन मुख्य क्षेत्र हैं। UNDP और भारत के जो हैं तीन मेन फोकस है, समावेशी विकास, पर्यावरण और एनर्जी, और प्रणाली और संस्थानों को मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना। ठीक है, भारत में UNDP से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है, आर्थिक मामलों का विभाग है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार है। ठीक है, और UNDP के भारत में 6 स्थानों पर कार्यालय है। कितने स्थानों पर कार्यालय हैं UNDP के भारत में? 6 स्थानों पर कार्यालय हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को अपने कवर किया, सारे टॉपिक्स को हमने 1x1 कवर किया, और वीडियो ऑडियो सब जबरदस्त था। जबरदस्त टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से अपनी जो ये न्यूज़ वाली सीरीज हमने चलाया हुआ है, डेली हम 1x1 मतलब एक एक टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। आप डेली लेक्चर देखा करो, डेली खुद से पढ़ा करो इंग्लिश का न्यूज़पेपर। और जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में भी, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से सीमा हैदर पबजी गेम के जरिए प्यार हुआ उन्हें और वो इंडिया में आ गई हैं, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपकी जो थिंकिंग है ना उसको ये दिखाता है कि आप क्या सोचते हो, किस तरीके से चीज़ें आप सोचते हो। कहीं ना कहीं आप कल को अधिकारी बनोगे और इस तरह के मुद्दे आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपकी क्या उसमें सोच रहेगी, आपका क्या स्टेप रहेगा उसमें अगर आपके पास पावर होगी तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और इनको ज़रूर सोचा करो, इस बारे में ज़रूर उसमें अपनी प्रतिक्रिया दिया करो, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो लेक्चर कैसा रहा। PDF के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल PDF आपको उस पर मिली जाएगी, और ये जो हाईलाइट वाला इशू था ये भी दूर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना लेक्चर कैसा रहा। ठीक है, और बाकी पढ़ते रहो, मेहनत करो अपनी ज़बरदस्त तरीके से, टेंशन मत लो, करंट अफेयर्स है सब अच्छे से ईजिली कवर हो जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। मंथली मैगजीन एक पढ़ते रहो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ज़रूर सिलेक्शन होगा, ज़रूर सिलेक्शन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।